जो महिलाओं के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जितेंद्र सिंह जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, दोतासरा जी, टीकाराम जूली जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जयराम रमेश जी, कमलेश्वर पटेल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बारिश में आप यहां भीग रहे थे, तब भी खड़े रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको कष्ट हुआ, हम थोड़े लेट भी चल रहे हैं, आपको यहां ठहरना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, हजारों लोग हमारे साथ चले। क्यों चले? क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है, नहीं आती ना? आती है? नहीं आती। तो हमने सोचा सीधा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें, और इसीलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने करी, और उस यात्रा का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अहिंसा और हिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे गई। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। और यात्रा से एक लाइन में कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। अब बहुत सारे लोग आए हमारे पास, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चले, मगर ऐसे बहुत प्रदेश हैं जहां आपने अपना मैसेज, अपने विचार नहीं पहुंचाए। बंगाल है, असम है,
नॉर्थ ईस्ट है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको वहां भी जाना चाहिए, एक दूसरी यात्रा होनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और हमने ये बात मान ली, और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। आपको एक फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश एक प्रकार से देश का जो दिल है उसमें से दोनों यात्रा निकल रही है। इसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया, पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा में जब हम चल रहे थे तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि देश में यह जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है। जरूर बीजेपी फैलाने का काम करती है, मगर ये जो कर पा रहे हैं इसका कारण क्या है, और सबने मुझे जवाब दिया इसका कारण अन्याय है, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं, युवाओं के साथ बेरोजगारी, किसानों को सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, सही दाम नहीं दिया जाता, तो अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए भारत में नफरत फैल रही। तो इसलिए हमने ये शब्द अपनी यात्रा में जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप जानते हो, क्योंकि अन्याय आपके साथ हो रहा है, सबसे बड़ा आर्थिक अन्याय। आप जानते हो कि इस देश में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में है। 22 लोगों के हाथ में उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 50% के नागरिकों के हाथ में है। जो 50% इस देश के सबसे गरीब लोग हैं, उनके हाथों में देश का 3% धन है, और जो देश के 5% सबसे अमीर लोग हैं, उनके हाथ में 60% देश का धन है। तो सबसे पहले आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अगर आप युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी है। ठीक से सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। ये क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, GST लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो गए। और अगर आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो हर सेक्टर में 5-6 कंपनियों की मोनोपोली है।
अदानी जी को देखिए, देश के एयरपोर्ट सारे के सारे पोर्ट्स, पावर जनरेशन, हिमाचल में अगर आप सेब की बात करो, वो पूरी की पूरी मार्केट उनके हाथ में। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, तीन चार को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो लोग देश को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, वो सब बंद हो गए और देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। और किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, आपको हिंदुस्तान के युवा सड़क पे भटकते दिखेंगे, बेरोजगार मिलेंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। इसमें आप किसानों को भी जोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया है, किसानों का एक रुपया माफ नहीं किया है। आज तक 10 साल में किसानों का एक रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है, किसान सिर्फ MSP मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। हम मेहनत करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, ठीक है, हमारा नाम अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, मगर हम मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं, हम सिर्फ सही दाम चाहते हैं और कुछ नहीं। होता क्या है, जैसे ही किसानों का अनाज तैयार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल के दाम गिरा देते हैं, फिर किसानों को अपना माल कम दाम पे बेचना पड़ता है, फिर दाम फिर से बढ़ा देते हैं। तो किसान सिर्फ कह रहे हैं हमें गारंटी दीजिए, कम से कम हमें MSP चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं MSP नहीं मिलेगी। मैं आपको यहां कह रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, लीगल MSP हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। अब इसमें आप सामाजिक अन्याय जोड़िए। इस देश में 50% पिछड़े लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, कितना हुआ 73% लोग या पिछड़े हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं, और आपकी भागीदारी कहीं भी नहीं है। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है, उनके मालिकों के नाम देखो, 73% आबादी में से आपको एक मालिक नहीं मिलेगा। फिर सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें भी आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मीडिया में जाके देखो, मीडिया की बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों के नाम निकालो, आपको नहीं, ठीक है, आपको एक मालिक नहीं मिलेगा 73% से। बड़े बड़े रिपोर्टर्स के नाम निकालो, इन्फ्लुएंसर्स के नाम निकालो, वहां भी 73% पे से आपको एक नहीं मिलेगा। ठीक है, पता नहीं, शायद पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी भागीदारी नहीं चाहते,
बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, मीडिया में भागीदारी नहीं चाहते। चलो तो फिर बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को देखो, तो मैं आपका एक आदमी नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की लिस्ट निकाल दो, उसमें आपके 73% के 10% लोग हैं, और वो भी छोटे छोटे प्रोफेसर। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बांटते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं, और जब बजट को बांटने का काम आता है तो उनको कोने में बैठा दिया जाता है, कोने में बैठा दिया जाता है। कहा जाता है देखो तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, इधर बैठो। 73% को कोने में बैठा दिया जाता है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है। देश का 6% बजट, 6% बजट का निर्णय आप लोग लेते हो, तो प्राइवेट कंपनियों में 73% नहीं है, मीडिया में 73% नहीं है, शिक्षा में 73% नहीं है, स्वास्थ्य में 73% नहीं है, तो आप हो कहां? मैं बताता हूं आपको, मनरेगा की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। जितने देखने देख लो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के नाम निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक तरफ सामाजिक अन्याय, दूसरी तरफ आर्थिक अन्याय, किसानों को कुछ नहीं देते, मजदूरों को कुछ नहीं देते। और पूरा का पूरा फायदा 10-15 बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इसीलिए हमने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में ये जो अन्याय फैल रहा है ये खत्म हो, और गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो। सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है, ठीक है? जिस दिन ये हो गया, उस दिन 73% को इस देश में भागीदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। वो पहला कदम है, क्योंकि आप लोगों को अपनी शक्ति पता लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि भाई हम 73% हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा इस देश में। जाति जनगणना 2 स्टेप्स का होगा, 2 सवाल के जवाब उससे मिलेगा। पहला, पिछड़ों की कितनी आबादी, दलितों की कितनी, आदिवासियों की कितनी, और दूसरा, इस देश में जो धन है वो धन कैसे बटा है, आदिवासियों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, और ये जो सारी की सारी संस्थाएं, इसमें कौन से वर्ग के कितने लोग हैं, ये आपको आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और आपको पता लग जाएगा
कि आपके साथ कितनी बेईमानी की जा रही है और आपको कितना गुमराया जा रहा है। अंत में मैं अग्निवीर की बात करना चाहता हूं। पहले क्या होता था, इस देश में एक तरीके के शहीद होते थे। सेना में, वायु सेना में, नेवी में अगर कोई शहीद होता था तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता था। अगर कोई अपनी जान देने के लिए सेना में जाता था तो देश उसकी रक्षा करता था, उसको पेंशन मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद उसको कैंटीन मिलती थी, गांव में उसका आदर होता था। आप लोग जानते हो, आपके गांव में एक सर्विसमैन जो होते हैं, पूरा समाज उनकी आदर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। अब अग्निवीर योजना में दो तरीके के शहीद बनने जा रहे हैं। शहीद दोनों होंगे, मगर अगर शहीद अग्निवीर है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उसे कहा जाएगा, देखो भैया, आपने देश को अपनी जान दे दी मगर देश आपकी इज्जत नहीं करेगा। देश सिर्फ चार में से एक जवान की इज्जत करेगा, जो बाकी तीन अग्निवीर होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। चार में से तीन लोग वापस आएंगे, उन्हें ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी ना उनको गांव में कोई रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये अग्निवीर योजना हो क्यों रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि डिफेंस का जो बजट है वो जवानों का ना मिले, उनकी पेंशन में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में जाए। आप अदानी जी को देखिए, आज पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते थे, गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता था, एचएल हवाई जहाज बनाता था। अब क्या हो रहा है, एचएल को परे कर दिया, अदानी जी अब हथियार बनाएंगे, बारूद बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे। और भाइयों बहनों, ये बनाने वाले नहीं है, ये होगा क्या, ये बाहर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और अदानी जी को उनका पार्टनर बनाया जाएगा और फिर उनका माल अदानी जी यहां बेचेंगे और डिफेंस का बजट सीधा अदानी जी के बैंक अकाउंट में जाएगा और हमारे जवानों को कहा जाएगा, देखिए अदानी जी का जमाना है, आपका बेटा मर गया, आपका भाई मर गया, उसको हिंदुस्तान की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये अदानी जी का जमाना है। धन्यवाद। ये होने वाला है, तो इसीलिए हमने न्याय यात्रा शुरू की और आपने इस यात्रा का इतना समर्थन किया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति आपने इस यात्रा में डाली, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।
जय हिंद। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, हजारों लोग हमारे साथ चले। क्यों चले? क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है, नहीं आती ना? आती है? नहीं आती। तो हमने सोचा सीधा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें, और इसीलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने करी, और उस यात्रा का